मतलब आपके नजर में इस देश में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है क्या वो बुद्धू लोग हैं? बुद्धू हो नहीं राहुल गांधी, राजू का राहुल गांधी जी, बुद्धू तो आप हो, और आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इस देश की जनता ने हरा कर इस बात को साबित कर दिया। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान के बाद अब बीजेपी उन्हें फिर से घेरने के लिए खड़ी हो गई है। देवास में भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया, बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बयान को लेकर नाराजगी जताई। धरना प्रदर्शन के दौरान ही देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा के बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने राहुल गांधी को दोगला और बुद्धू बोल डाला। इस देश के विपक्ष के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अमेरिका की धरती पर बैठकर इस देश में आरक्षण को समाप्त करने की बात करी, ये राहुल गांधी के दोहरे चरित्र को और दोगले चरित्र को उजागर करता है। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा देवास जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने इस धरने के माध्यम से कांग्रेस को राहुल गांधी जी को ये बोलने का काम किया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी शासन रहता है इस देश में, आप आरक्षण को समाप्त करने तक क्या उसको छू भी नहीं पाएंगे। पूरी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में और राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ जो उन्होंने इस देश को तो अपमानित करने का काम किया, उस जाति मोर्चे के आरक्षण समाप्त करने का काम किया, उसके खिलाफ आज यहाँ धरने में उपस्थित हुए थे। आज धरने में उन्होंने हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष राजू खंडेलवाल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई संजय दायमा जी, राजेश यादव जी, बहन हमारी अटारिया जी और सभी तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता इस धरने में उपस्थित। आपने अभी माइक से राहुल गांधी को जो है दोगला भी कहा और बुद्धू भी कहा, क्या कहना? निश्चित रूप से उनके पिताजी ने जिस प्रकार से ये बयान दिया था, जो इतिहास में गवाह है कि उन्होंने कहा था कि आरक्षण के माध्यम से हम बुद्धों को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकते, तो उसी बात को आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी यही शायद जानते हैं कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है वो शायद बुद्धू है। वहीं बीजेपी विधायक राजेश सोनकर के इस बयान पर कांग्रेस ने उन्हें समझाइश देते हुए कहा कि विधायक सोनकर जी को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। भाजपा को झूठ बोलना बहुत अच्छे से आता है, ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें झूठ बोलने की, किस तरीके से झूठ बोला जाए, जनता के सामने परोसा जाए। राहुल गांधी की बाइट किसी ने सुनी क्या? अजीब से लोग हैं भाजपा के। राहुल गांधी जी से जब अमेरिका में पूछा गया कि क्या आरक्षण खत्म करना चाहिए, तो उन्होंने कहा यह अभी समय नहीं है खत्म करने का। उसमें कौन सा गलत बोल दिया उन्होंने? क्या आरक्षण के ऊपर कोई चर्चा करना बुरी बात है? उन्होंने कहा नहीं, अभी इसकी आवश्यकता है। और राहुल गांधी जी जो संविधान को लेकर इतनी बातें कर रहे हैं, पूरा चुनाव लोकसभा का उन्होंने इस बात पर लड़ा, क्या कोई व्यक्ति उस बात को लेकर ऐसा बयान देगा? बयान तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दिए बिहार में। बता दें कि राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान के बाद देश भर में बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में कई बार भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी का विरोध करते हुए उनकी जीप काटने तक की धमकी दे डाली, लेकिन वहीं अब देवास में राहुल गांधी के बयान पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। पंजाब केसरी के लिए देवास से एहतशाम कुरैशी की रिपोर्ट।